हमारे साथ मौजूद है नीमच विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह परिहार, जो कि दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनसे जानेंगे कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वे जा रहे हैं और वो वोट की अपील कर रहे हैं। दिलीप जी बताएं कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। इसको कह दो ना, हम माइक बंद करो। विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्वहारा वर्ग के लिए कल्याण की योजनाएं बनाई है और मैं जिस विधानसभा में आता हूं वहां ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, मां भादवा माता विराजमान है। उनका आशीर्वाद हम सब पुत्र पुत्रियों पे बना रहता है और हमने माँ भादवा माता जो लोग आते थे उनके पांव में कंकड़ चुभते थे, तो हमने नीमच से मनासा तक की 80 करोड़ रुपए की सड़क बनाकर और जनता को सुविधा देने का काम किया है। वो एक विकास हुआ है। यहाँ माँ भादवा माता से लोग इधर हमारे अपने जाड़ा तक जाने वाले जितने भी गांव आते थे, सिरगेड़ा, ढाबा और लसुड़ी तबर, इधर आगे जो गांव आते थे वो उन लोगों को आने जाने में तकलीफ होती थी। हमने उस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क में लेकर 5.5 मीटर तक की सड़क करी है। वहीं पानीदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नर्मदा का पानी शिप्रा में लाए काली सिंध में और वो पानी चम्बल में आएगा और चम्बल का पानी नीमच जिले के प्यासे कंठों की प्यास बुझाएगा, ये योजना भी स्वीकृत हो गई है। वहीं हमने या जो डैम बनाए हैं उसमें गाडगिल सागर हो, हमने अटल सरोवर रेतम बिराज पे बनाया, खुमान सिंह शिवाजी डैम जो बनाया ठीकरिया डैम पर, वो उसकी वजह से आज किसानों में इधर पूरी पट्टी में हरित क्रांति आई है। पहले यहाँ जमीन के भाव बहुत कम हुआ करते थे, आज 20 लाख 10 लाख रुपए बीघा में जमीन देने को लोग तैयार नहीं है। इसका पानी टेट हमारे जगदीश गुजर के गाँव झालरे मेलकी तक गया है, तो किसान कहीं ना कहीं प्रसन्न है और हम देख रहे हैं कि विकास जो हुआ है। मैं नीमच से जब भोपाल जाता था 18 घंटे मुझे लगते थे, आज 5.5 घंटे में हम लोग भोपाल भेजते हैं। बिजली किसान को चाहिए, खाद चाहिए और लोगों को वो सब सुविधाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए। खाद, बिजली और पानी यदि मिल जाए तो किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और वो सफलता प्राप्त करता है। अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है और किसानों के लिए हमारा जो घोषणा पत्र आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसानों के लिए हमारे घोषणा पत्र में कुछ न कुछ उपहार और दें। तो उन्होंने कहा मैं हेक्टर के हिसाब से किसानों को कुछ न कुछ राहत देने का काम करूंगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिसने बीमारू प्रदेश को आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, उसको हम विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए चुनावी मैदान में जा रहे हैं। जनता हमें स्नेह और प्यार दे रही है, पलक पांव ने बिछाकर जनता मुख्यमंत्री के जनदर्शन यात्रा निकली, उस समय आपने देखा होगा जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित हम काम को लेकर जाएंगे। वैसे एक और खास बात है कि फसलों के दाम को लेकर के कहीं ना कहीं आंदोलन खड़ा हुआ, 6 किसानों की गोलियां लगी और उसमें मौत भी हुई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं क्या किसान नाराज तो नहीं है और क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए? ये घटनाक्रम हुआ है, किसान आंदोलन के बीच में कुछ लोग उपद्रवी लोग आ गए थे, उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद भी जिन किसान भाइयों को क्षति पहुंची है, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन परिवारों में गया और उनको पैसा राहत भी दी और उनके परिवारों को नौकरी देने का काम किया। मेरी विधानसभा में भी नायन खेड़ा का एक नौजवान इसमें शहीद हुआ था, उस नौजवान की हमने मूर्ति पर मुख्यमंत्री ने स्वयं ने आकर माल्यार्पण की, उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी और उसके नाम से हमने कुछ रोज से लेकर वहां तक सड़क बनाने का काम किया। तो हम संवेदनशील है, इन लोगों ने भी बहुत अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किया है, इसलिए आज बेकफुट में है, थोड़ी सी सिमट के रह गई है और जनता आपके 200 सीटें निकाल के देगी और हम शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब हमारा जो इलाका है कहीं ना कहीं सोयाबीन और लहसुन के बड़ा अधिकतम उत्पादन वाला क्षेत्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके दाम जो है पिछले कुछ समय से उस तरीके के नहीं मिल पा रहे, किसान उसको लेकर नाराज सा नजर आता है या मायूस सा है, तो क्या इस बार ध्यान रखेंगे क्या ऐसा क्यों हो पाया कहीं वो नाराज? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ध्यान रखा है, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, लहसुन के जो नुकसान हुआ था उसको भी समर्थन मूल्य में उनको पैसा देने का 500 रूपए अलग से देने का खाते में, यही नहीं 800 रूपए। और यही नहीं, कमलनाथ जी नीमच की सभा में आए थे, हम सुहासरा में थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां से लैपटॉप पे किसान के खाते में पैसा डाल रहे थे, तो कांग्रेस की मित्र भी जो कमलनाथ की सभा में वो कह रहा था मारे भी आई गया पैसा, मैं भी खुश हूँ मुख्यमंत्री ने ही वोट दूंगा। तो कहीं ना कहीं संवेदनशील मुख्यमंत्री है, किसानों के लिए उन्होंने किया है, गरीबों को उन्होंने किया है, देश के प्रधानमंत्री ने आवाज दिए हैं साहब। आज जनता हम जाते हैं दुआएं देती है, गैस कनेक्शन दिए, जो माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक कर अपने आंखों की रोशनी कम करती थी उनको निःशुल्क गैस
गैस कनेक्शन दिए हैं। तो आज जो हुआ है वो जनता को नजर आ रहा है, विकास को लेकर हम जाएंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। एक और जो है कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के लोग जो है एक बात को बड़ा सीधा लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस तरह से काम नहीं कर पाए, या जो ऐसा कोई बड़ा काम या इस तरह से नहीं ला पाए, या निष्क्रियता जैसा रही कि निष्क्रिय रहे वो, कि उसे काम नहीं लाए, मतलब कोई कहना है कि भाई ये आम तौर पर के मूलभूत सुविधाएं और ये देना सरकारी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बड़े काम और क्या रहे? मैं बताता हूँ आपको, मैं आप देख लो कि कांग्रेस के 60 साल के तराजू में तोलो और हमारे 15 साल तोलो, उसमें आप देखोगे कि हमने 6 डैम बनाए, इनने केवल एक गांधी ये नारकियाखाल डैम बनाया था, हमने उसके बाद 6 डैम बनाए। अब तोल लो कि हमने 15 साल में यदि हम 6 डैम बना सकते हैं और ये 50 साल में एक डैम बना सकते हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाएं सुभाष सोस्टिया और कांग्रेस के कई मंत्री रहे, जो हमारे नीमच मंदसौर जिले के मंत्री रहे, एक ईंट नहीं लगी थी। नीमच जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपया लगाए, खुमान सिंह शिवाजी के नाम से ट्रामा सेंटर हमने बनाकर जनता को समर्पित कर दिया। अगर उनको विकास नजर नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए उनको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुए हैं उन विकासों को उनको देखना, उनको नजर नहीं आएंगे। मैं कांग्रेस की हमारे से तुलना भी नहीं करना चाहता हूं, हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं है। उनने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबी तो नहीं हटाई, गरीब को हटा दिया उन कांग्रेसियों ने। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में आई है तो गरीबों के लिए काम कर रही है। ये थे हमारे साथ जो है नीमच विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सिंह, कहा है कि वे विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वो वोट की अपील कर रहे हैं और जनता उनको चुनाव जिताएगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन मुश्ताक अली शाह के साथ श्याम गुर्जर।